हाय, दिस इज़ स्वाति फ्रॉम नेचर ट्रेजर। आज बहुत हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है मिली बग्स और एंट्स का खतरा। मिली बग्स हैं तो एंट्स भी होंगे और बहुत तंग करते हैं दोनों। इतना मैंने कोशिश की है इनको भगाने के लिए, इनको हटाने के लिए, और बहुत टाइम बाद, बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद मुझको अपना सोल्यूशन मिला है। वही सोल्यूशन मैं आज शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी मैं इससे, जितना भगाओ उतना ये वापस आ जाते हैं। अब समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो फाइनली पता चला ये एंट्स कल्प्रेट हैं। एंट्स की वजह से ही ये आते हैं। अब इन एंट्स को मारना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनको कैसे भगाया जाए? मेन इशू ये है कि आप मिली बग को ख़त्म कर भी देते हो बार बार, तो एंट्स उन्हें वापस ले आती हैं। तो आज सबसे पहले हम सॉल्यूशन निकालेंगे एंट्स का। ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और 100% वर्क करता है। ये बोरिक एसिड है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी ड्रग स्टोर से, किसी भी केमिस्ट की दुकान से आप इसको ले सकते हैं। जस्ट 20 रुपीज़ का पैकेट है। आप इजीली इसको किसी भी केमिस्ट की शॉप से ले आइएगा। तो क्या करना है हमें अब इसके साथ में, ये देखिए, इसमें एक ऐसे सिल्वर कलर का पॉलीथिन निकलेगा, पॉली बैग होगा, उसको जस्ट ऊपर से कट करके आप निकाल लेना। हमें ये ऑलमोस्ट 2 स्पून के आसपास चाहिए। और चाहिए हमको यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर जिसमें हम बनाएंगे, और शुगर। अब शुगर जैसे बच्चों को पसंद है, ऐसे ही एंट्स को पसंद आती है, इसीलिए हम शुगर यूज़ करते हैं। शुगर उनको फेवरेट रहती है। तो और हम शुगर चीनी के दाने लेंगे यहाँ पर। तो अब हमें बनाना कैसे है, हम एक छोटी सी खाली डब्बी ले लेंगे। मेरे पास हींग की डब्बी थी तो वही मैंने यूज़ की है। इसके अंदर अब हम डाल देंगे शुगर और साथ में 2 चम्मच इसका बोरेक्स का, बोरिक एसिड जो है, 2 चम्मच बोरिक एसिड और 6 चम्मच शुगर। 6 चम्मच शुगर डाल के हल्का सा पानी डाल देना है, जिससे वो अपना बोरिक एसिड उसमें अच्छे से लिपट जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। क्योंकि अब होगा क्या कि इसको मिला देना है, ये क्रिस्टल फॉर्म में बन जाएंगे, बाद में ये सॉलिड भी हो जाएगा, ये इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो, लिक्विड हो गया तो भी चलेगा, थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया तो भी चलेगा, अल्टीमेटली ये एंट्स को ख़त्म करेगा करेगा। उसके बाद छोटे छोटे से, जैसे ये बॉटल कैप में मैंने रखा है, आपको अपने गार्डन में हर जगह ये बॉटल्स और के कैप या छोटी छोटी जगह पे ये शुगर के दाने बोरेक्स वाले रख देने हैं। अब भुगत होता क्या है, जो एंट्स हैं वो शुगर के दाने लेके जाएंगी जहाँ पर इनकी रानी एंट है, और उनके साथ ये शेयर करेंगी अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ। तो ये अल्टीमेटली एंट्स हमारी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। अब हमारे पास सॉल्यूशन निकालना है हमें मिली बग का। ये वाइट मिली बग बहुत तंग करता है और हिबिस्कस को तो छोड़ता ही नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन, बेस्ट और एकमात्र सॉल्यूशन यही है, आइसोप्रोपाइल रबिंग अल्कोहल। अब हमें इसको यूज़ कैसे करना है, ये आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा, मार्केट में ढूंढोगे मार्केट में आपको मिल जाएगा, आजकल तो बहुत ईजीली अवेलेबल है। बाकी हमें चाहिए नीम ऑयल, और नीम ऑयल को कोई भी क्वालिटी के आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो जस्ट नीम की पत्तियों को उबाल लीजिए या नीम की पत्तियों को तेल में पका लीजिए, तो आपका नीम ऑयल रेडी हो जाता है। और विम या कोई भी हैंड वॉश की लिक्विड की ड्रॉप्स। अब यहाँ पे जितना आपका ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जैसे 500 ml हमने लिया, तो 500 ml में से 250 ml आपका अल्कोहल रहेगा और 250 ml वाटर रहेगा। उसमें आपको 5 ड्रॉप जो हैं वो नीम ऑयल की डालनी है, 5 ml के आसपास आप नीम ऑयल डाल दीजिए, और 1 ml आपको सोप डालना है, जस्ट 2-3 बूंदें, ताकि उसके बाद वो पत्तियों को प्रोटेक्ट कर सके। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या करता है कि उसके वाइट मीली बग के ऊपर की कवरिंग को एकदम से ख़त्म कर देता है, और ख़त्म होने के बाद में वो कीड़ा मर जाता है और एंट्स नहीं होंगी तो दोबारा भी वो कीड़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके गार्डन में कीड़ा ज़्यादा है, जैसे मेरे यहाँ पे सिर्फ 1 प्लांट में था, अगर ये कीड़ा ज़्यादा है तो प्लीज़ उस
प्लांट को अलग कर दीजिए जहाँ पे लगा है, या उसको डिस्कार्ड कर दीजिए प्लांट को, या अगर कीड़ा कम है तो उसको आप कॉटन पे अल्कोहल लगा के सीधा रिमूव कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।